तुझे मैं खो ना दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने आई वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर अपने खुद के फोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने खुद के फोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अलर्ट मोशन ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको अलर्ट मोशन प्रो ऐप चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलर्ट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस आपको कान मास्टर प्रो ऐप भी मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कान मास्टर प्रो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और अलर्ट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस आपको अलर्ट मोशन प्रो ऐप को ओपन करना है। अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां से गाइस आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है और ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप लिरिक्स वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फोटो के किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम इस समय एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर अलर्ट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। फुल स्क्रीन में लगाने के लिए गाइस आपको ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको वॉलपेपर की लेयर को खींचकर थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर देना है। आपको इसकी लेयर को खींचकर 15 सेकंड तक लंबा कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। गाइस आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से गाइस आपको इसमें एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज हो गया, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है। नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही लिरिक्स वीडियो अलर्ट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी। अब आपको नीचे साइड में इसको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको नीचे साइड में इसको लगाना है। गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी लिरिक्स वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर लग चुकी है। अब गाइस आपको फिर से नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू वाले पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो अलर्ट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी। आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर लग चुकी है। अब गाइस आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको आपको लेफ्ट साइड में प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक गाइस आपको बीच में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से गाइस आपको लेफ्ट साइड में वॉलपेपर को स्क्रॉल करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। वॉलपेपर की लेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। यहाँ से गाइस आपको 5 सेकंड तक इसको आगे बढ़ा देना है।
इस तरह से फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वॉलपेपर को आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल कर देना है वॉलपेपर को। अब गाइस आपको फिर से वॉलपेपर की लेयर को आगे बढ़ाना है। यहाँ से आपको 10 सेकंड पर आ जाना है। प्लस वाले ऑप्शन पर फिर से टैप करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को राइट साइड में स्क्रॉल करना है। अब आपको फिर से वॉलपेपर की लेयर को आगे बढ़ा देना है। 15 सेकंड पर आ जाना है। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में बढ़ा देना है। आपका वॉलपेपर कुछ इस तरह सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुका है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को सेट कर लेना है। अब गाइस आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एक बॉर्डर लाइन को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन अलाइन मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी। तो आपको बॉर्डर लाइन की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस तरह से 15 सेकंड पर चले जाना है। जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन की लेयर 15 सेकंड तक लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको वीडियो की एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। कट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। इस तरह से गाइस आपको सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वाले पेपर को लगाकर लिरिक्स स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।